नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा। बात मैजिक की हो रही है। चमत्कार को नमस्कार किया जा रहा था, लेकिन 100 दिन ही बीते हैं कि सियासी फिजा बदली बदली नजर आने लगी है। दरअसल इस बीच कई सूबों में उपचुनाव हुए हैं और नतीजों में मोदी नाम की तासीर कम होती दिख रही है। सवाल है कि क्या लोकसभा चुनावों के मुकाबले उपचुनावों में फैक्टर बदल गया या फिर जादू उतर गया। आज बड़ी बहस में इसी पर चर्चा करेंगे। तो अब तफसील से शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। जोर का झटका हाई जोरों से लगा। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद ताकतवर दिख रही बीजेपी इस वक्त चुनावी चोट सहलाने को मजबूर दिखाई दे रही है। 9 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे ने बीजेपी को कुछ दिया ही नहीं, बल्कि उससे छीन ही लिया है। हालांकि इन चुनावों में मोदी का नाम सामने नहीं था, लेकिन इस नाम के भरोसे ने बीजेपी का भरोसा हिला दिया है। क्या फेल हो गया बीजेपी का मोदी मादा? क्या पीएम मोदी का असर हो गया बेअसर? क्या नतीजों में बिहार और झारखंड का दिख रहा अक्स? 9 राज्यों के उपचुनाव, विधानसभा की 33 सीटें और लोकसभा की 3 सीटें, बीजेपी को कम से कम सियासी जीत तो बिल्कुल ही नसीब नहीं हुई। विधानसभा की 33 सीटों में से बीजेपी को 12 का नुकसान हो गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा से पैदा हुई बीजेपी की उम्मीदें पस्त हो गई हैं और राजस्थान में वसुंधरा राजे भी पार्टी को जीत की सुधा नहीं पिला पाई। जनता ने सोच समझ करके पूरी समझदारी से ऐसी ताकतें जो समाज को बांटना चाहती हैं उनको पीछे कर दिया है। लेकिन हम आभार प्रकटेंगे जनता का कि जनता ने ऐसे वक्त पर समाजवादियों की मदद की। बिहार में महागठबंधन मस्त, बीजेपी के अच्छे दिन अस्त। दरअसल इन उपचुनाव के नतीजों के असर के दायरे में झारखंड और बिहार को भी देखा जा रहा है। झारखंड में जल्दी चुनाव होने वाले हैं। झारखंड आकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी पार्टी की हौसला अफजाई करने की कोशिश की थी, लेकिन इन नतीजों को देखने के बाद झारखंड बीजेपी आहें ही भर सकती है। जबकि बिहार बीजेपी और बड़े नेता गुजारिश करते दिख रहे हैं कि नतीजों को नरेंद्र मोदी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लोकसभा चुनाव से इन रिजल्ट्स का कोई संबंध नहीं है और आगे आने वाले चुनाव से भी इसका कोई संबंध नहीं है। ये सब चुनाव आइसोलेटेड घटनाएं होती हैं। अलग अलग विधानसभाओं का सामाजिक समीकरण, परिस्थितियाँ ये अलग होता है। ये कोई सरकार को बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं होता है, इसलिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ये जो रिजल्ट आए हैं ये निश्चित रूप से स्थानीय लोगों ने चयन में प्रक्रिया में कुछ भूलें की होंगी, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है, मोदी की सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। ये मीडिया चैनल में आया ही है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो लोकसभा में और सीटें बढ़ जाएंगी। इसका मतलब जो स्थानीय नेता है, हम सबको आत्मचिंतन करना होगा कि हमसे भूलें कहाँ हो गई। जाहिर है परिणाम ने बीजेपी के मान को घटा दिया है और बिहार में महागठबंधन की आन बढ़ा दी है। महागठबंधन के नेता इस शिकस्त को बिहार उपचुनाव में बीजेपी को दी गई शिकस्त की अगली कड़ी बताते हैं। सरकार में आने के बाद जो उनका हिडन एजेंडा था, वो हिडन एजेंडा जब अब सतह पे आ रहा है तो लोगों को समझ में आ रहा है कि साहब हम ठगा गए, और उसी का परिणाम है कि यूपी का रिजल्ट, पहले उत्तराखंड का रिजल्ट और बिहार ने जो शुरुआत की वो बिहार का रिजल्ट। तो आने वाले दिनों में मैं अब इनका जो है फिर उसी तरह से जिस तरह से आए हैं उसी तरह से इनकी विदाई होना एकदम निर्धारित है। उपचुनाव में जिस तरह से बिहार ने एक मैसेज दिया पूरे देश के सेकुलर वोटर्स के लिए, आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में वही चमत्कार हो रहा है, राजस्थान में बीजेपी अपनी जीती हुई सीटें हार रही हैं, तो यह कहीं ना कहीं उस मैसेज का परिणाम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जीत के आते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, काला धन लाएंगे, और सत्ता में आने के बाद आप धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। तय है कि झटका बीजेपी को लग गया है और मोदी के जिस जादू का यकीन बीजेपी कर रही थी वो अब चमत्कारिक नहीं लग रहा। आनंद अमृतराज और ब्रिजमोहन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।
तो 9 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों का दायरा झारखंड और बिहार के विधानसभा चुनाव तक जाता है। अब तय बीजेपी को ही करना है, उसे नीति बदलनी होगी या रणनीति। दरअसल झारखंड में चुनाव कुछ महीनों के अंदर होने वाले हैं, यानी मोदी मैजिक का लिटमस टेस्ट पहले झारखंड में होगा और फिर इंतजार बिहार का होगा। सारी चीज़ों पर चिंतन होना चाहिए, बैठ के जानना चाहिए क्यों हम लोग कार्य अच्छा नहीं कर पाए, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ये लगता है सर कि जो 75 प्लस वाला जो एक पाबंदी लगाई गई है उसको हम ठीक तो नहीं मानते हैं कि पाबंदी लगना चाहिए, उसको नहीं मानते हैं। पाबंदी तो हटी जाना चाहिए, सब लोगों को साथ लेकर के चलने पर फायदा तो मिलेगा ही। सीपी ठाकुर का ये बयान साबित करता है कि उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी के नाराज नेताओं पर असर डालना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या बीजेपी की नीतियों पर सीपी ठाकुर जैसे बुजुर्ग नेताओं की मांग का असर भी दिखेगा? जाहिर है बीजेपी इसके खिलाफ दलीलें ढूंढेगी, लेकिन वो इससे इनकार नहीं कर सकती है कि बिहार के चुनाव से पहले झारखंड के चुनाव में उसे रणनीति में तब्दीली करनी पड़ सकती है। जो दिखाया गया था, पर जो सब जमा दिखाया गया था वो 25,00,000 करोड़ बाहर से पैसा कहाँ रखा वो सब लाएंगे, समय फेल हो गया। और जो जो खाब दिखाए थे जनता को ना, वो कहीं जमीन पर उधर उतर नहीं रहा है। या तो मोदी की बात, भाजपा तो बात मोदी की बात हो रही है, अब मोदी जी इस पर फेल हो गए। चुनाव के पहले संप्रदाय को भड़का करके और वोट लेने की जो उनकी योजना थी, उस योजना को भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने नकारने का काम किया है। इसलिए ऐसा लगता है कि झूठ के सपना के साथ साथ इनके सांप्रदायिकता का भी कार्ड फेल कर रहा है। देश की जनता कांग्रेस पार्टी को अपना पार्टी मानते हुए उनको फिर से कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आने वाले हैं। बीजेपी का तर्क है कि 9 राज्यों में हुए उपचुनाव में नरेंद्र मोदी ने ना तो प्रचार किया और ना ही इन चुनावों में सीधे तौर से जुड़े रहे, लेकिन झारखंड में तो मोदी मैजिक का भरोसा करना उसकी मजबूरी होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कह रखा है कि झारखंड में चुनाव मोदी की नुमाइंदगी में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी के लिहाज से भी हकीकत यही है कि मोदी मैजिक का असल टेस्ट झारखंड में होने जा रहा है। इससे निराश नहीं हुआ है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जो परिणाम है आने वाले दिनों के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा कि हम अपनी कमियों को खोजने का काम करें, आत्ममंथन करें कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों को हम सुधार के जो आगामी 4 राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें हम बेहतर परिणाम दे सकें, उस पर ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए, बजाय इसके कि जो परिणाम आया उस पर हम अगर लकीर पीटें तो फिर हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। बिहार के चुनावों तक बीजेपी के पास संभलने के कई मौके हैं, लेकिन झारखंड बीजेपी के लिए चुनौतियों का सबब साबित होने जा रहा है। पटना से अमित झा के साथ रांची से अविनाश कुमार, जी मीडिया। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय आलोक जी, जदयू के प्रवक्ता हैं, शक्ति यादव जी राजद से, एनके चौधरी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और प्रेम रंजन पटेल जी भाजपा से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे मैं एनके चौधरी साहब, हम और हमारे दर्शक समझना चाहते हैं, वेकअप कॉल है भाजपा के लिए, कहीं ना कहीं भाजपा को ये कड़वी सच्चाई समझनी चाहिए और अब जग जाना चाहिए। अब बिल्कुल वेकअप कॉल डेमोक्रेसी में, और वेकअप कॉल होता क्या, आप चुनाव हार रहे हैं और सत्ता में आने के इतने कम दिनों में आप ऐसा लगता है कि ट्रेंड आपके खिलाफ, तो वेकअप कॉल है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वेकअप कॉल क्यों हुआ, क्यों बीजेपी का जो सीन है, जो उसकी चमक है, कमती गई। मैं समझता हूँ उसका एक बड़ा कारण है कि जो एक्सपेक्टेशंस इन्होंने जगाया उसका जो लेवल था वो बहुत ही हाई था। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि सत्ता में आते कई समस्याएं हल हो जाएंगी। जनता ने देखा कि ये समस्याएं हल होती नजर नहीं आ रही हैं। महंगाई, आप देखेंगे कि जनता ने उम्मीद की थी कि महंगाई काबू में आएगी। देखिए, ये व्यवहारिक एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैं अर्थशास्त्र का छात्र हूं, कोई कहे कि इन्फ्लेशन रेट, रिजर्व बैंक भी कहे कि हम तुरंत घटा देंगे, नहीं होगा। आज देखे इन्फ्लेशन रेट घट गया, लेकिन इसको समय लगा, इस समय को समझना चाहिए। ग्रोथ रेट एकाएक जंप कर जाएगा ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन ग्रोथ रेट बढ़ा
इसलिए मैं कहूंगा जिस तरह से इन्होंने एक्सपेक्टेशन जगा दिया बीजेपी वालों ने कि हम 100 दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे, उसी तरह ऑपोजिशन भी ठीक उसी तरह ना आ जाए कि मोदी इज आउट, मोदी मे बी डाउन, मोदी इज नॉट आउट। आप देख लीजिए कि कई जगह मैं ना बीजेपी का आदमी हूँ और अब अगर कहेंगे तो मैं बीजेपी के व्यक्तिगत पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हुआ यह है। एक और बात हुई, जब सरकार आई थी तो सर्टेन इश्यूज के बेस पर आई थी। वो इश्यूज क्या था? निगेटिव वोट था बहुत हद तक, लेकिन कुछ पॉजिटिव गवर्नेंस का मुद्दा। उन्होंने कहा था कि सोशल हार्मनी मेंटेन करेंगे, मोदी जी ने रेड फोर्ट से कहा था मॉरिटोरियम। लेकिन देखिए इकोनॉमिक फ्रंट पर जो वादा किया था वो रिजल्ट आने में समय लगा, अब रिजल्ट आना शुरू हुआ है। अब इनके कारण आया है कि इनके बावजूद आया मैं दूसरा सवाल, लेकिन सोशल फ्रंट पर ये पीछे गए। जो स्थिति थी से बदतर हुई। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ऐसा समझ लिया कि उन्होंने इस कंट्री को टेक ओवर कर लिया है और तरह तरह की बात करने लगे, गलत संदेश जा सकता है। अब वोटों का ध्रुवीकरण कराया जा सकता है और इसीलिए उनके खिलाफ एक व्यापक गोलबंदी हुई है। और लोगों ने जो 67 में कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, 67 कांग्रेस वर्सेस ऑल अदर्स, ऐसी स्थिति, और उसमें बिहार के पॉलिटिक्स ने भी योगदान कुछ किया है। मैं मानता हूं कि वो ध्रुवीकरण का असर लोकल फैक्टर्स की मदद से कहीं ना कहीं हो रहा। आपका इशारा महागठबंधन की ओर जी, मैंने कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि अगर आपको, और ये केवल सोशल इशू पर जा रहा है कि सोसाइटी को हम डिवाइडेड नहीं देखना चाहते हैं, और ये मैसेज कहीं ना कहीं लोगों में जा रहा है। और ये मैसेज इसलिए भी जा रहा है कि यूपी में देखा आप आदित्य जो योगी आदित्यनाथ का जो स्टेटमेंट आया, कुछ और लोगों का आया, उस सब ने भी समाज में एलिमेंट मेनका गांधी का तमाम जो बयान आए कहीं ना कहीं ऐसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया बीजेपी को। एक तरफ नहीं मिला, दूसरी तरफ सोशल फ्रंट पर उनको पीछे जाने से लोगों को डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया, और शायद इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। डॉक्टर अजय आलोक, आपके पास आना चाहेंगे हम। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी मैजिक इज ऑन द वैन, वो ढल रहा है। सुबह कहते हैं कि जो परिणाम आए हैं ये आइसोलेटेड चुनाव थे और इसके दूरगामी परिणाम का आकलन नहीं किया जाना चाहिए, जो आने वाले चुनाव हैं उस पर भी असर नहीं होगा। आपकी टिप्पणी चाहेंगे हम। नहीं, आप बार बार कहते हैं ऑस्ट्रिच सिंड्रोम। मैं तो ये कहूँगा आपको श्री पूजन जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके साथ बैठा था जब बिहार के चुनाव का परिणाम आया था। उस वक्त भी कहा गया था आइसोलेटेड परिणाम है, उस वक्त भी आप ही के स्टूडियो में बैठ के मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में यूपी का, राजस्थान का और गुजरात का ही परिणाम आएंगे विधानसभा चुनाव के, तब हम लोग बात करेंगे, अगर आपको यह स्मरण होगा जी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता थे विनोद नारायण झा जी, उन्होंने भी कहा था कि हाँ वो परिणाम आप भी देखेंगे। आज क्या परिणाम है वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। क्यों, लेकिन मूल कारण क्या आप मानते? मूल कारण सिंपल एक बात है कि काठ की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई खिचड़ी बन गई, खिचड़ी उलट के गिर गया, जनता देख चुकी कैसी खिचड़ी है। मैंने तो आपको आपके चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पूर्व मैंने कहा था, चौधरी साहब भी मेरे साथ थे बहुत बार डिबेट में, मैंने कहा था कि ये तो ऐसा एजेंडा दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले कि देश में तो अगले चुनाव के लिए मुद्दा ही नहीं बचेगा। महंगाई खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, बेरोजगारी खत्म, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। और टीवी के ऐड में महिलाएं बोल रही थी, पुरुष बोल रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले, प्लीज देश को अच्छे दिन दे दीजिए। अरे बिहार को तो अच्छे दिन आप दे नहीं पाए, कम से कम देश को अच्छे दिन दे दीजिए, वो भी नहीं कर पाते हैं। मणिपुर के छात्र पिटे जाते हैं, दो दिन से हमारे मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं राजनाथ सिंह के पास, राजनाथ सिंह कुछ काम नहीं करते हैं। हमें ही उल्टा बोला जाता है कि बिहार सरकार की जिम्मेवारी होना चाहिए। क्या चाहते हैं, बिहार सरकार अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज लेके मणिपुर पे चढ़ाई कर दे? ये इनका ये शासन करने का तरीका है। ये शासन जो एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित जब हो जाती है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं। और मान लीजिए मेरी बात को, यूपी बिहार हिंदी भाषी राज्यों की जनता बेवकूफ़ नहीं है और हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ़ नहीं है। ऐसे ऐसे जब भी काम करेंगे 100 दिनों के अंदर गुड कॉप बैड कॉप खेल के कुछ नहीं होगा। एक तरफ आप बात करते हैं देश को यूनाइट करने की, आगे ले जाने की, प्रधानमंत्री किसी भी देश का, किसी भी देश का प्रधानमंत्री बराक ओबामा को लेके, व्लादिमीर पुतिन से लेके, किसी को भी हमें कंपेयर कर लूँ, निकोलो सरकोजाई को आप फ्रांस का कंपेयर कर लीजिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके एक ओपन मंच से जापान में कहते हैं कि मैं कारोबारी हूँ, कारोबार मेरे खून में है। क्या देश के प्रधानमंत्री को कारोबारी होना चाहिए? और उस देश के प्रधानमंत्री को जिस देश के 70 करोड़ की जनता गरीबी रेखा से नीचे जिंदा रहती है,
उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को कारोबारी डिक्लेयर करता है कि कारोबार मेरे खून में, मैं गुजराती। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये विरोधाभास इस देश के साथ है, इस तंत्र के साथ आप नहीं चल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी सत्ता में आई, हम साथ में थे, गर्व से कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री। आज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन डायस्पोरा में किसी को गर्व नहीं होगा ये सुन के अपने प्रधानमंत्री के मुंह से कि मैं कारोबारी हूं। प्रधानमंत्री कारोबारी नहीं होता है, वो देश के लिए होता है। कारोबार करना है तो अंबानी अडानी है ये सब बनी है, इसको आपको देश के सामने मत बोलिए। काफी गंभीर आरोप सुना आपने, डॉक्टर अजय आलोक क्या लगा रहे हैं, कह रहे हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती, और ऐसा प्रतीत हो रहा है काट की हांडी में जो खिचड़ी पक रही थी, अजय आलोक जी ने पॉइंट किया, वो उलट गई है और नतीजे कहीं ना कहीं वही परिलक्षित कर रहे हैं। देखिए, ये विधानसभा के उपचुनाव थे, तीन लोकसभा के चुनाव थे, और इस चुनाव से मोदी सरकार को जोड़ कर करके देखना ये कहीं से उचित नहीं होगा। आखिर क्यों तीन लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड के चुनाव, तीन की तीन सीटें आप हारते हैं। महागठबंधन ने भाजपा को यहाँ करारी हार दी, 6 सीटों पर काबिज हो गई, जब ये कहा जा रहा था कि जदयू राजद सबका अस्तित्व खतरे में है, लुप्त प्राय सा हो गया है, आप यहाँ पे भी हारे। उत्तर प्रदेश भी आपके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है, काफ़ी अच्छी पोजीशन आपकी हुआ करती थी, बहुत ही जो रिजल्ट्स आए हैं 33 में से महज 12 सीटें आप राजस्थान नहीं बचा पा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश नहीं बचा पा रहे हैं, अब आखिर कौन सी चीज़ हो जाएगी जब आप रियलाइज करेंगे कि हाँ। मैं वही बता रहा था कि ये लोकसभा के तीन इसमें उपचुनाव थे और तीनों जिनकी जो सीटें थी वो ले गए, अब जो गुजरात के अंदर में बड़ोदरा की सीट थी भारतीय जनता पार्टी की थी वो ले गए, मैनपुरी में मुलायम सिंह चुनाव जीते थे उनकी पार्टी वो जीत गए, आंध्र प्रदेश में टीआरएस की थी वो टीआरएस चुनाव जीत गया, तो लोकसभा में तो कहीं से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और विधानसभा का चुनाव को इस सरकार से और लोकसभा से जोड़ कर करके और जो पिछले लोकसभा के चुनाव थे उससे जोड़ कर करके देखना ये कहीं से मुझे उचित नहीं लगता है। सबसे पहले तो लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था और यह विधानसभा का चुनाव में यह कोई फैक्टर नहीं था, नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं था, वहां की राज्यों की स्थितियां थी, अपनी परिस्थिति थी, राज्य के अपने मुद्दे होते हैं, उन सारे विषयों को लेकर करके चुनाव लड़ा गया था और परिणाम लगभग एक साथ तमाम राज्यों में। मैं मानता हूं कि जो रिजल्ट आना चाहिए अलग हो सकते हैं लेकिन परिणाम लगभग एक साथ आ रहा है। मैं मानता हूं कि जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आ सका है मेरे पक्ष में, जो होना चाहिए था, लेकिन यह भी यह रिजल्ट साबित करता है कि केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर राज्यों के अंदर में चुनाव नहीं लड़ा जाते, सभी राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां होती है, सभी राज्यों के मुद्दे होते हैं, उन सब मुद्दों के आधार पर सभी राज्यों के अंदर में नेतृत्व होता है, उन मुद्दों में सभी बातों को चुनाव लड़ा जाएगा। इजाजत हो एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ प्रेम रंजन जी, ब्रेक के बाद आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं और अजय जी आप इन्हें फिर जहां पर मुनासिब समझे आप रोक सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है प्रेम रंजन पटेल जी। ब्रेक पे जाने के पहले आप अपनी बात को पूरी नहीं कर पाए थे, क्यों नहीं आखिर मान लेती भाजपा की जोर का झटका बहुत जोरों से लगा है, क्यों ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से ग्रसित हैं जैसा कि अजय आलोक जी बार बार कहते हैं इसी फोरम से। नहीं देखिए, ब्रेक में जाने से पहले भी मैं कह रहा था कि यह उपचुनाव है और इस उपचुनाव को आम चुनाव से जोड़ कर करके देखना ये कहीं से उचित नहीं होगा। राज्यों के जो चुनाव होते हैं वहां की राजनीतिक परिस्थितियां, बिहार में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए थे फिर जो परिणाम आए थे एनडीए के पक्ष में आए थे, उपचुनाव हुए उसमें परिणाम आपके बिल्कुल विपरीत गए। नहीं विपरीत नहीं गया है, बिहार के अंदर में जो उपचुनाव हुआ है साल 2009 की बात, उसमें बहुत विपरीत नहीं गया है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी रही है, 4 सीटें जीत कर करके 10 में आई है, 3 राजद जीती है, 2 जदयू जीती है, 1 कांग्रेस। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत कर करके आई है। और मैं कह रहा था शिवपूजन जी, मैं कह रहा था कि जो राज्यों के चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं उसमें वो नहीं समाहित होते हैं, उसमें मुख्य रूप से हर राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां होती है, हर राज्य के
अपने अपने मुद्दे होते हैं और राज्य के अपना नेतृत्व होता है, उन सारे विषयों को लेकर करके उस राज्य का चुनाव लड़ा जाता है। तो आप मुझे लगता है जिन राज्यों में भाजपा धाराशाही हुई, आम चुनाव को जिन राज्यों में भाजपा धाराशाही हुई उसके नेतृत्व पर आप खुद सवाल उठा रहे हैं, ऐसा आप मान रहे हैं जी? जिन राज्यों में उपचुनाव हुए और नतीजे इस तरीके से भाजपा के खिलाफ गए, तो आप मानते हैं कि उसके नेतृत्व पर सवाल या निशान खड़ा होता है? अमित शाह जी का जो मॉडल था, जो विजन था, एक यूपी मॉडल उन्होंने डिवाइस किया था, वो फेल हो गया? नहीं, कोई मॉडल फेल नहीं हुआ है और इसका परिणाम जो है से इस चुनाव को आम चुनाव से देखेंगे। जब आम चुनाव होंगे, जिस राज्य के अंदर में यह उपचुनाव हुआ है उसके जब आम चुनाव होंगे तो रिजल्ट इसके खिलाफ। और शक्ति यादव जी आपके पास आना चाहेंगे, भाजपा तो मान के बैठी है, देखा गया भाजपा की स्थिति वैसी ही है, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। पूजन जी, लोकसभा शक्ति यादव जी को बोलने का मौका देते, अभी तक बोल नहीं पाए। मुझे तो इनकी बातों पर ये याद, गांव गवे में एक कहावत है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, आंटा मेरे पेरेंट का, गार्जियन का जी। अभी स्वीकार करना चाहिए इनको कि जो मैजिक जिस तरह से आप आए बाय फ्लुक, मैंने कहा था पिछले डिबेट में, आप याद होगा कि अमूमन जो है जो हवा का जो गति होता है पूर्वा पछवा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मोरंगिया टाइप का हवा उतरंगा और दक्षिणहा चलता है तो बृष्टियाँ आती है, तो कुछ कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होते हैं, लगता है कि प्रलय आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से बाय फ्लुक आ गई देश में, लेकिन जो ठीक कहा नवल चौधरी जी ने कि जो आकांक्षा जो लोगों के बीच में आपने पैदा किया, और ठीक ही कहा लोग जी ने कि पूरे समस्या का मतलब द्वारा इस देश में कोई समस्या पैदा ही नहीं होगा, भ्रष्टाचार का सवाल हो, एम्प्लॉयमेंट का सवाल हो, डेवलपमेंट का सवाल हो, सारे सवाल पर अब तो कोई सवाल देश से बचेगा ही नहीं। तो ये जो आकांक्षा पर कोई चीज आती है तो लोगों का, देखिए अजीत यादव जी नहीं, जश्न की मुद्रा में आने की जरूरत आपको भी नहीं है। वजह दो जोड़ दो का हिसाब लगा करके आपने, उस वक्त था जब आप उपचुनाव में बिहार में जा रहे थे, आपने कहा था कि 46% का वोट शेयर आपके पक्ष में जाएगा, नतीजे जो आए, जो परिणाम आए, महज 6 सीटें, बहुत ज्यादा जश्न मनाया कि आपकी ये नहीं है। आपने कवायद की थी कि महागठबंधन दूसरे राज्यों में भी पांव पसारे, लेकिन मायावती के बयान को आप भूल नहीं सकते। मैं भूल रहा हूँ, मैं जश्न में नहीं हूँ, मैं लगातार भी कहा हूँ, पिछले बार भी कहा हूँ कि मैं जश्न में नहीं हूँ। ये चुनाव जो है परिणाम हमारे लिए कुछ सीख देख के गया है, मैं क्या कर सकता हूँ और बेहतर, ये हमें करने के लिए उत्प्रेरित किया, समीक्षा कर रहे हैं, इसकी हम समीक्षा करें। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन चीजों को स्वीकार नहीं करती है, थोथी दलील में इनका आस्था ज्यादा है। एक जिस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उस समय लोगों की आकांक्षा थी, उसके बाद जिस तरह से 100 दिन में आप सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? आपकी सरकार को तो 15 साल में सर्टिफिकेट दिया था नीतीश जी ने, उसको वापस ले लिया। एक सेकंड समझ, सवाल डेवलपमेंट का नहीं है। एक तो मोदी आए, उसके बाद तुरंत एक ऐसा व्यक्ति इस देश का, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र का अध्यक्ष बना, अमित शाह जी। लोगों में जिस तरह से नफरत का भाव देश के अंदर में, तरह तरह क्या क्या जिहाद का नाम, कई तरह के नफरत की स्थिति देश में, जो सांप्रदायिक तनाव हर तरह से इस तरह से बढ़ते गए लोगों ने। और पिछले बार, अभी मैं कहता हूं कि चुनाव में भले ही इनके बेहतर रिजल्ट आ गए, लेकिन वोट का परसेंटेज अगर उठाएंगे तो निश्चित तौर पर 70% मतदाता इनके खिलाफ थी। आ गए सत्ता में आप, हम आपका सम्मान करते हैं, जनादेश का सम्मान करने में हम लोगों ने पीछे मुड़कर करके नहीं देखा, हमने इन चीजों को स्वीकार किया। लेकिन जिन आकांक्षाओं के बल पर, जिन सपनों के बल पर आप आए, और आने के बाद जिस तरह के देश में स्थितियां बनी, कितने नफरत फैले, देश की जो आप सीमा है वो सुरक्षित नहीं, ठीक है कहा, पाकिस्तान से मतलब ऐसा स्थिति पैदा कर देंगे कि पाकिस्तान आंख नहीं गुजरेगा, चीन की स्थिति क्या है आप अखबार में पढ़े होंगे, चीन के 100 सैनिकों को जिस तरह से, तो आप जिस सवाल पर आए उन सवालों पर तो जनता आपको देख रही है। आपने तो यहां तक कह दिया कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इतना है कि हम अपने यहां के शिक्षकों को, टीचरों को बाहर देश में इम्पोर्ट करेंगे। अब इस तरह के वैसे सवाल, जिन सवालों को मैं कदापि नहीं हल कर सकता, उन सवालों को जनता के मन में बैठा कर करके गलत सपने भी, या लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। रंजन पटेल जी, निश्चित बहुत सारे आरोप लगे हैं एक साथ, आप खंडन करना चाहेंगे? इसलिए इनको ये स्वीकार करना है। रंजन जी को बोलने देते हैं। शिवपूजन जी, सबसे पहले तो आप महागठबंधन के दो प्रवक्ता है, इसलिए प्रेम रंजन पटेल जी को अकेले देश की राजनीति के इतिहास में जाना पड़ेगा। यहाँ कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक शक्ति थी, ताकत थी,
और उसके खिलाफ जितनी पार्टियां थी वो एकत्रित होती थी, फिर बिखर जाती थी और उसको परास्त करने की कोशिश करती थी। थोड़े दिनों के लिए जो ऐसे कुछ उसमें मिलता था, जो ऐसे जो भी कामयाबी हासिल कामयाबी मिलती थी, लेकिन वो कामयाबी बहुत दिनों तक नहीं टिकती थी। अब जो ऐसे जो राजनीतिक परिस्थितियां देश की बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जो ऐसे ताकत के रूप में आई है। अब कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का उन्होंने निर्णय लिया था और लोगों से अपील की थी नरेंद्र मोदी ने, और उसका नतीजा भी सामने आया कि कांग्रेस सिमट कर करके क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हो गई। अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी बची है। छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए सब एक दूसरे को, कहा जाता है कि जब जंगल में आग लगता है तो सब एक साथ हो जाते हैं, उसी प्रकार से अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सारी पार्टियां एक दूसरे से गलबहिया डाल रही है। आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं घबराहट का माहौल है? नहीं, कोई घबराहट का माहौल नहीं है। इन सब लोगों से अकेला भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करने को तैयार है। उपचुनाव के नतीजे तो ऐसा कम से कम नहीं बताते अजय आलोक जी, आप इस बात से उपचुनाव के तमाम जो उपचुनाव हुए बिहार को जंगल, पिछले 100 दिनों में बहुत सारे उपचुनाव हुए, तमाम नतीजे भाजपा के फेवर में जाते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसा है श्री पूजन जी, दो भागों में आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहला भाग मेरे मित्र ने उठाया भारतीय जनता पार्टी के, कि बिहार के उपचुनाव में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उबड़ के उबड़ी। भाई बधाई हो इनको, 10 की 10 पे अकेले लड़ रहे थे, 9 ये लड़ रहे थे, एक इनकी सहयोगी लड़ रही थी और तब ये 4 सीटें जीत के आए। राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस 4-4-2 पे लड़ रही थी, तब हम 6 जीत के आए। कैसे ही हमसे बड़े हो गए ये बेहतर बताएंगे। अब दूसरे भाग पर आते हैं। इन्होंने कहा कि प्रदेश का नेतृत्व जिम्मेदार है, लोकल फैक्टर्स काम करते हैं विधानसभा चुनाव में। मैंने क्या क्यों ऑस्ट्रिच सिंड्रोम बोला, बात समझिए। जीत की होगी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाजपा नरेंद्र मोदी, जीत तो क्लीन चिट भी दे दिया। अब सुन लीजिए, और जब हार हो गई प्रदेश नेतृत्व तो होता है, लोकल फैक्टर होते हैं, विधानसभा की विषमताएं होती हैं। आज मुख्तार नकवी बोल रहे थे, शहनवाज हुसैन बोल रहे थे, विधानसभा की परिस्थिति होती है, ये होता है, वो होता है, इसलिए आप इसको जोड़ के नहीं रखते बड़े डिस्ट्रिक्ट में। याद दिलाना चाहूंगा इनको, प्रेम रंजन पटेल जी मानते हैं कि बिहार खंड में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड में 4 दिन पहले घोषणा की किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और आगे भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर प्रदेश नेतृत्व कैसे आप ब्लेम कर सकते हैं आज इस लाइव टेलीविजन के माध्यम से? या तो ये गलत है या ये गलत है या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गलत है। आप खंडन करना चाहिए? मैं मुझे अब अपनी बात पूरी करेंगे। मैं दूसरी बात वापस अपने मैं दूसरी बात पहले आपके इस बात का खंडन कर लेने दीजिए। या तो प्रेम रंजन जी गलत है या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गलत है, जी बात सही है, क्योंकि ये सब टेलीविजन लाइव मीडिया पे है। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, अमित शाह का स्टेटमेंट था कि भाई एक सामूहिक नेतृत्व नरेंद्र मोदी के नाम पे झारखंड में चुनाव लड़ा जाएगा, चीफ मिनिस्टर बाद में तय करेंगे और इसी पैटर्न पे हम उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। ये अमित शाह का स्टेटमेंट था, सब चैनलों ने दिखाया, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं जी। आज ये कह रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव ही नहीं लड़ा गया, प्रदेश नेतृत्व और जो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कांग्रेस में हुआ, कांग्रेस में हुआ कि राहुल गांधी को किसी तरह से बचा के निकाल लो, जिम्मेदारी या हार का ठीकरा उनके ऊपर ना फोड़ा जाए, कुछ ऐसी स्थिति लग रही है सरकार यूपीए के। प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी, थोड़ा सा वक्त हम आपको दे रहे हैं, वजह उस वक्त में आप सोच सकते हैं कैसे काटना है अजय आलोक जी को और शक्ति यादव जी को। तब तक हम एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जोर का झटका है जोरों से लगा। प्रेम रंजन पटेल जी, ब्रेक पे जाने के पहले आप अपनी बात शुरू भी नहीं कर पाए थे, अब बात अपनी तफसील से पूरी कर सकते हैं। दूसरा पार्ट आपका नहीं आता, सारी बात रह गया था, वो भी पूरा कर देता हूं। एक बारी जवाब दे देंगे प्रेम रंजन, ठीक है, बताएं। आलोक जी से बात इनको पूरी कर रहे हैं, पार्ट टू पूरा कर रहे हैं। पार्ट वन तो हो गया इनके विधानसभा उपचुनाव, क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने रेस किया था लोकल फैक्टर और नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, वो भी कैंसिल हो गया।
अब तीसरा फैक्ट इन्होंने रेज किया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था है, तीनों लोकसभा हम जीत गए, ये कर लिया वो कर लिया। मैं बस इनसे बड़े आदमी मतलब नम्न शब्दों में बस पूछना चाहता हूँ कि माननीय प्रेम रंजन जी ये बताएंगे कि बिहार से 22 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए और इनके गठबंधन से 31 सांसद चुन के गए, 33 सांसद चुन के गए यहाँ से बिहार से, क्या इन सांसदों ने एक बार भी प्रधानमंत्री से मिलके एक डेलीगेशन बना के बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए कभी भी वकालत की? क्या इनका एक सांसद राधामोहन सिंह को छोड़कर इनके या इनके गठबंधन का एक भी सांसद अपने क्षेत्र में वापस अपनी जनता के सुध लेने गया बाढ़ में? सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति इनके पूरी पार्टी पिछले 100 दिनों में कर रही है या नहीं कर रही है? क्या इसी का हर चीज भुगत रही है? इसी का नतीजा ये भुगत रहे हैं, बिहार में भुगता, यूपी में भुगता और पूरे देश में। सबसे पहले अजय आलोक जी का मैं जवाब दे दूं, जो प्रश्न को इन्होंने उठाया है कि मुख्य रूप से देखिए बिहार के सवाल पर जितने सांसद हैं, एक बार नहीं कई बार जो है से नरेंद्र मोदी ने उन सांसदों को बुलाकर कर करके और बिहार के लिए उन्होंने कहा, समाचार पत्रों में हमने नहीं पढ़ा किस प्रकार से जो है से हम बिहार की समस्या का समाधान कर सकते हैं, हमने समाचार पत्रों में कभी नहीं पढ़ा, हम उसकी पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। और पहले जब हमारी जो है नरेंद्र मोदी जी ने लेकिन ये भी कहा था, बजट सत्र चल रहा था लोकसभा चुनाव में जब प्रचार का दौर चल रहा था, ये भी कहा था कि हम भी क्यों मांगते देंगे, नहीं विशेष राज्य की दर्जा की बात है, जहां तक उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य की दर्जा से केवल बिहार का विकास नहीं होगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा था। बिहार के लिए शब्दों की हेराफेरी हो गई, आपके शब्दों की हेराफेरी हो गई, नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ेपन को दूर हो सके ये मोदी जी ने नहीं कहा, आज तक बिहार के अंदर में ये मोदी जी को ही झूठ ला रहे हैं। शिव पूजन जी, सुशील मोदी जी ने कहा जिनके साथ ये है कांग्रेस के साथ गलबहिया मिला करके के चल रहे हैं और 10 वर्षों तक कांग्रेस ने जो ऐसे बिहार के साथ उपेक्षा किया, तो कांग्रेस बिहार के साथ नाइंसाफी किया, बिहार के कोई जो ऐसे न सड़कें बनने दिया, आप बिहार के पुल का निर्माण होने दिया, बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री की सड़कें थी जो 17,000 करोड़ रुपया राशि नहीं दिया गया, आज जो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और आते ही अभी 100 दिन पूरे हुए, 100 दिन के 12,000 करोड़ नेशनल हाईवे का अभी तक बिहार को नहीं दिया गया, वो आपको यूपीए ने भी नहीं दिया था। आज मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, खास तौर से कहा था उसका ठीकरा आप सिर्फ उसका ठीकरा भाजपा पे नहीं फोड़ सकते अजय आलोक जी, वो ठीकरा आपको यूपीए पर भी, यूपीए टू पर एक सवाल का जवाब देना निहायत जरूरी है। शक्ति जी एक सवाल करना चाह रहे हैं, शक्ति जी जी शक्ति सवाल का जवाब, चूंकि यहाँ बैठे हैं नवल चौधरी जी, मैं इनको दोनों को बता दूं, मैं आपको एक सवाल इनका सुन लेते हैं, शक्ति यादव जी का मुझे बड़ी विनम्रता से कहना है, आपने एक सवाल खड़ा किया कि यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट जब बनी थी, आप सभी यहां मौजूद हैं, आप सत्ता है, में थे उसमें हमारे समर्थन से सरकार थी जी, और उस सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के सवाल पर 16,000 करोड़ एक किस्त में बिहार की सड़कें जो ग्रामीण सड़कें बनी उसमें हमारे दल उस चर्चा में हम नहीं जा रहे हैं। आज के जो आंकड़े मुख्यमंत्री जी ने मुझसे शेयर किए हैं वो पूरी इंटरव्यू हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, आप भी देख सकते हैं। उन्होंने खासतौर से ये कहा था कि पिछले सरकार यानी कि जो कांग्रेस की सरकार थी यूपीए 2, उस सरकार ने भी जो मुनासिब पैसे होने चाहिए थे हाईवे के रखरखाव के लिए, नेशनल हाईवे के लिए, वो नहीं दिया और अभी भी सरकार नहीं दे रही है, इसलिए इसका ठीकरा ना तो हम एक सेकंड सुनने हो गया मेरी बात, यह 100 दिनों एक समय एक सुनने होगी नरेंद्र मोदी की आदरणीय आदरणीय वेंकैया नायडू इस देश के ग्रामीण विकास मंत्री थे एनडीए हुकूमत में। चलिए शक्ति जी एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दें, एक सवाल बहुत गुलगुलाहट हो रही है एक सवाल पूछने की, एक सवाल आपकी आ गया हो तो मैं भी ले लूं आपसे। अहम सवाल यह है कि 100 दिन में आपने मोदी की सरकार को सर्टिफिकेट तो दे दिया कि सरकार नाकाम रही, तमाम उम्मीदों को जो जगाया था, सब्ज बाग जो दिखाए थे उस पर फिसड्डी हो गई मोदी सरकार। 15 साल में आपकी सरकार को भी एक सर्टिफिकेट मिला था जिसे पूरी तरह से आज नकार रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मजबूरी तो है महागठबंधन की। पूरी आपने कहा गठबंधन की मजबूरी, मैं बता रहा हूं 15 साल की सरकार में इस राज्य के अंदर में जिन लोगों ने आपको बड़ी तफ बन जाना पड़ेगा बहुत विस्तृत चर्चा में, हम जब सब नहीं करना चाह रहे हैं, जब हम इतना जानते हैं कि जंगल राज पहले कहा जा रहा था, बाद में उसको दूसरा एक उसे क्रिश्चियन किया गया, आतंक राज आपको सुनने पड़ेगा जी। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की जब सरकार 90 में आई, आदरणीय लालू प्रसाद जी से जब राज्य के मुख्यमंत्री बने, मैंने कहा था पिछले जिस समय बिहार की स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, 2900 करोड़ रुपया डेफिसिट में थी गवर्नमेंट,
उस परिस्थिति में आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के सत्ता संभाले थे और हमने अपने पूरी बात सुन ली। आप पूरी बात दूर नहीं ले जाना चाहते हैं चर्चा को, आपने क्योंकि हम दोनों सरकारों की समीक्षा में रह जाएंगे। हम जंगल आज नहीं कह रहे, ये नहीं, हम जंगल आज नहीं कह रहे। इन्होंने जो कहा नीतीश जी ने आतंक राज कह दिया। खैर, हम नवल जी के पास जाते हैं। चौधरी साहब, अहम सवाल ये, आज एक बयान हमने देखा कद्दावर नेता सीपी ठाकुर जी का, हम आएंगे थोड़ी हमारी मजबूरी है, हम आपके पास बार बार आते रहेंगे, लेकिन वक्त की पाबंदी है। लेकिन हम अभी जानना चाहते हैं एनके चौधरी साहब से, एक कद्दावर नेता, उनका बयान आता है सीपी ठाकुर जी का कि 75 प्लस जो भी नेता है उनको दरकिनार मत करो, उनको एल्बो आउट मत करो, क्या भाजपा उसका खामियाजा भुगत रही है? नहीं, ये बड़ा कारण नहीं, मैं मानता हूं। सच कहिए तो 75 के बाद के नेताओं को सत्ता की राजनीति नहीं करनी, राजनीति करनी चाहिए, सत्ता की राजनीति। राजनीति बहुत व्यापक शब्द है, गांधी जी भी राजनीति करते थे, महात्मा गांधी, लेकिन सत्ता की राजनीति नहीं करते, यानी उन आरोपों में बहुत ज्यादा दम नहीं है, बहुत दम नहीं है। दूसरा अहम सवाल आपसे करना चाहूंगा, हाल के दिनों में हमने देखा किस तरीके से समाज में दो समुदायों को बांटने की जबरदस्त कोशिश हुई, लव जिहाद जैसे शब्द सुनने में आए, पहले शायद मैं भी नहीं जानता था लव जिहाद आखिर है क्या, ऑल ऑफ अ सडन ऐसे फ्रेजेस क्वाइन होते हैं और जबरदस्त तरीके से पूरे देश में फैलता है, विस्तृत होता है। सवाल उठाए जाते हैं साक्षी महाराज जी द्वारा कि किस तरह से मदरसे में एंटी नेशनल एलिमेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज वहां नहीं फहराया जा रहा है। दो मकसद हो सकता है जो मुझे लग रहा है चौधरी साहब, एक मकसद ये कि समाज को फिर से विखंडित करके कहीं ना कहीं वोट की राजनीति हो रही है, या एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करो जो भाजपा के पक्ष में जा सकता है। मैं याद कराना चाहता हूं कि जो पिछले साल अगस्त के महीने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए जिसमें दर्जनों लोगों की जानें गईं, लाखों लोग बेघर हुए, वो भी कहीं ना कहीं हेट स्पीचेस का नतीजा था और उसी का खामियाजा भाजपा ने भुगता, क्या इस तरीके से इसका आकलन किया जा सकता है? असर पड़ा है। देखिए, एक सीमा के बाद अगर आप सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाएंगे और सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटेंगे तो भाजपा का भी जो एक बेस का जो एक हिस्सा है, आप मानकर चलिए कि वो भाजपा से अलग होगा। इस पिछले चुनाव में हुआ ये कि कांग्रेस के शासन में या यूपीए 1 और 2 के शासन में गवर्नेंस फेलियर हुआ, शासन की विफलता हुई, पॉलिसी पैरालिसिस हुई, ग्रोथ रेट डिक्लाइन किया, इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ, करप्शन बहुत बढ़ गया। इससे ऐसे भी लोग जो भाजपा की वो समाज बांटने की नीति के खुल्लम खुल्ला समर्थक नहीं थे वो भी भाजपा की तरफ चले गए। लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो वह कम्युनल लाइंस पर समाज को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है, उसमें सेंसिबल लोग हैं। और जब साक्षी महाराज जैसे लोग आएंगे और जो वो गोरखपुर वाले हैं, एक सीमा के बाद वो बढ़ाएंगे तो ऐसा लोग भी इसको अप्रूव नहीं करता। हमको चिंता दूसरी है कि आज के बाद भाजपा किधर जाएगी। इस बात को मान के चलिए कि एक बड़ा सेक्शन इस बात की पैरवी करेगा, सांप्रदायिकता को बढ़ा दो। ये ठीक उसी तरह करेगा जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कहा था, जब विफलता आई तो और इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म। हमको इसका डर है, मैं समझता हूं ये डर निर्मूल नहीं है। और मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो भाजपा से अलग वाले लोग हैं उनको भी आज जरूरत से ज्यादा जश्न मनाना नहीं चाहिए। मैंने कहा मोदी मे बी डाउन बट नॉट आउट, बीजेपी मे बी डाउन इट्स नॉट आउट, इसलिए इनको समझ बूझ के बड़े मुद्दों को लेके जो विकास न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दे के पीछे अपने को एकजुट करना चाहिए, मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए और मुद्दों के आधार पर बीजेपी को कन्फ्रंट करना चाहिए, आरएसएस को, ना कि सिर्फ इमोटिव इशू बना करके समाज को एक तरफ धर्म के आधार पर और दूसरी तरफ जात के आधार पर, जिसकी कोशिश बिहार में की जा रही है यही कारण है। आप मानते हैं चौधरी साहब, बहुत संक्षेप में आपसे हम चाहेंगे इस पर टिप्पणी, यही कारण है कि बिहार के बाद महागठबंधन कहीं पे भी पांव नहीं पसार पा, नहीं करेगा, ना झारखंड नहीं करेगा, जिस तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के बाहर बहुत नहीं है उसी तरह ये सोशल फंडामेंटलिज्म जात के आधार पर बांटने की भी सीमा है। एक सीमा के बाद अगर जात के मुद्दों को और आगे बढ़ाएंगे और लालू और नीतीश जी समझते हैं कि इसी पर जीत जाएंगे
तो वो भ्रम में है, इसको देश नहीं स्वीकार करेगा। अजय आलोक जी, मैं सबसे पहले नवल जी को बस ये कहना चाहूंगा कि वी ऑल्सो बिलीव दैट मोदी मे बी डाउन, बीजेपी मे बी डाउन, बट दे आर नॉट आउट। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई हमें इसमें गलतफहमी नहीं है। और हमें ये चीज़ है कि हमने एक पहल की आज से 2 महीने पहले राज्यसभा चुनाव में, हमने उन्हें डाउन कर दिया। ये एक मैसेज होता है पूरे देश के लिए। रही बात कि हमें जातिवादी कहा जा रहा है, तो हम जातिवादी नहीं हैं, हम हिंदूवादी हैं, हम मुस्लिमवादी हैं, हम सेकुलरवादी हैं, हम देशवादी हैं, हम जातिवादी नहीं है, ना ही हम धर्मवादी हैं। इस चुनाव में क्या हुआ, सच कहने की हिम्मत अगर कैमरा में है तो राजनेता आज कहें सच। इस चुनाव में भी पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन की कोशिश की गई, बिल्कुल पोलराइजेशन हुआ मैं कहता हूं। बस क्या हुआ, हिंदू कंसोलिडेशन नहीं हुआ, जो ये करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के, आपके कैमरा में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, हिंदू कंसोलिडेशन नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में करने के दौरान सफल हो गई थी। और ये बहुत अच्छी चीज है देश के लिए, क्योंकि देश यूनाइटेड रहेगा। आप सांप्रदाय को, धर्म को बांट के इस देश को नहीं चला सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझना पड़ेगा, नवल जी को भी समझना। इसी बात से कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण आप में जा रही है। और हम में तुष्टिकरण हम नहीं करते हैं, तुष्टिकरण ये लोग करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम मिलकर। आलोक जी, और मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा, एक तो हिंदू कंसोलिडेशन जो करने की कोशिश की गई थी लोकसभा में, कहीं ना कहीं सफल हुए थे। मुद्दा बदल गया था, विकास गवर्नेंस, कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा, एक नेतृत्व पूरे देश में, नरेंद्र मोदी, अच्छी छवि, लोगों ने स्वीकार किया, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन आज क्या है, आज तो आप प्रदेश नेतृत्व को जीरो कर रहे हैं, आप 3D चीफ मिनिस्टर देने की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव हारते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, प्रदेश नेतृत्व के कारण हारे हैं। आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करने पे आप तैयार नहीं है। और मैं एक बात और कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा कि देश आज जिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, लव जिहाद इन्होंने शुरू किया, इनके योगी आदित्यनाथ कहते हैं, आदित्यनाथ हमारे नेता नहीं है, राजनाथ सिंह कहते हैं लव जिहाद क्या है, देश का गृह मंत्री कहता है लव जिहाद क्या है, और योगी आदित्यनाथ को कम्युनल डिबेट के नाम पर 1 घंटे का समय पार्लियामेंट में आप देते हैं, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी, किस मुद्दे पे? क्या जवाब देंगे प्रेम रंजन जी कि बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी ने कैसे योगी आदित्यनाथ जैसे आदमी को अधिकृत किया कि पार्लियामेंट में बीजेपी को रिप्रेजेंट करे? जनता ने दिखा दिया जो भड़काऊ कहा जा सकता है प्रेम रंजन जी। सबसे पहले तो देखिए, योगी आदित्यनाथ जी सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सांसद है। अगर वो डिबेट में भाग लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपत्ति तो होना चाहिए कि जिनको चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया गया और उनको ये गले लगा रहे हैं। जिनके योगी आदित्यनाथ ने कहा लव जिहाद और रेल मंत्री कहते हैं लव जिहाद, क्या करता नहीं, खोखला कर दिया, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जानवर का चारा खा गए, विरोधाभास है बीजेपी में, उनको विरोधाभास है। आपने पानी पी पी कर करके लड़ाई लड़ी, 15 वर्षों तक कहा कि जंगल राज है, जंगल राज से मुक्त कराएंगे, और जंगल राज पटेल जी, 2009 में तकरीबन ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। प्रश्न अभी भी है अजय आलोक जी, मानेंगे सवाल तो ये लाजमी है कि देखिए, महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सबसे पहले नेतृत्व, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है अगर भाजपा वैन पे है, यानी कि भाजपा का परफॉर्मेंस ग्राफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या एक अल्टरनेट, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए अजय आलोक, क्या अल्टरनेट के रूप में महागठबंधन उभर सकता है अजय आलोक जी? एक मिनट अजय आलोक जी से, जले पे जब नमक पड़ता है ना,
बहुत जोर से चल मिर्ची लग गई। अभी देखिए बिना रुके हुए बोले जा रहे हैं, किसी को बोलने नहीं। शक्ति यादव जी को तो नहीं कह रहे हैं, नहीं जलेबी लगातार जलेबी जब नमक लगता है ना, लेकिन मैं ये कहूंगा आप अपने आप को जलाते, चुनाव लड़ने से अपने आप को जलाइए मत ना। योगी आदित्यनाथ जाते अंतिम टिप्पणी चाहिए। अरे अवैधनाथ आदित्यनाथ और महागठबंधन आगे बढ़ेगा, मान रहे हैं भाजपा को एक मुंह तोड़ जवाब दे सकता है जालोक जी, हाँ या ना में जवाब दे दे। अब आप सुनिए, इन्होंने महागठबंधन आगे बढ़ेगा, ऐसा भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है भाजपा, अजय आलोक जी हाँ ना में जवाब दे दे, वक्त बिल्कुल नहीं हमारे पास। भाजपा ने लव जिहाद शुरू किया, महागठबंधन ने लव करवाना शुरू किया जनता में, जनता आपस में लव करने लगी या जनता ने चौधरी साहब आपके तरफ से महागठबंधन आगे बढ़ेगा आपका। मैं जानता हूँ जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति की सीमा है उसी तरह जातिवादी राजनीति की सीमा है, दोनों तरफ सीमा है। महागठबंधन भी इस बात को समझ ले कि एक सीमा के बाद जात की राजनीति भी अगर वो करेंगे तो उनको वही परिणाम दिखेंगे जो सांप्रदायिक राजनीति एक सीमा के बाद आज प्रोड्यूस कर रही है बीजेपी के लिए। इसलिए गवर्नेंस की बात करें, विकास न्याय की बात करें, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें, लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, गरीबी मिटाने, बेरोजगारी मिटाने, कुपोषण मिटाने की बात करें, यह जात और धर्म से निकले, धर्म से बीजेपी निकले और जात से ये जेडीयू एंड आरजेडी निकले, तो कहीं ना कहीं फिर जनता के मान्य हो सकते हैं। चलिए डॉक्टर अजय आलोक जी, शक्ति यादव जी, प्रोफेसर एनके चौधरी साहब और प्रेम रंजन पटेल जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।